इतना काम करते हैं तो आपका मन रहता है कि भाई कमाई का कुछ पैसा बच्चों के भविष्य के लिए लगाएं, लेकिन परिवार में बुजुर्ग माँ बाप है, उनको और कोई खर्चा नहीं होता है, लेकिन कोई बीमारी आ जाए तो दवाई का खर्चा तो हो ही जाता है, और वो उम्र भी ऐसी होती है कि दवाई का खर्चा होना ही होना होता है। मैं आप सबको कहना चाहता हूं, ये जो दवाई का इलाज का बोझ आप पर है ना, जैसे वो आपके माता पिता है वैसे ही वो मेरे माता पिता भी है, और इसलिए आज आपके माता पिता का खर्च दवाई का आप उठाते हैं ना, 70 साल के ऊपर के आपके परिवार के बुजुर्गों की इलाज का खर्चा अब ये आपका बेटा उठाएगा। और इसलिए भाजपा ने ऐलान किया है कि 70 वर्ष की ऊपर के आयु के सभी बुजुर्गों को, चाहे वो गरीब हो, मध्यम वर्ग को, उच्च, कोई भी हिंदुस्तान का कोई भी 70 साल से ऊपर का बुजुर्ग होगा, उनका इलाज मुफ्त किया जाएगा, सरकार उसका जिम्मा लेगी।